दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सुशांत, पूजा और जितेंद्र जी का, जिन्होंने इस लॉकडाउन के टाइम पे भी मेरी बहुत हेल्प की मुझे ये डीलिंक का राउटर दिलवाने में। दोस्तों, अगर लॉकडाउन के टाइम में इंटरनेट की वैल्यू या फिर एक अच्छे राउटर की वैल्यू जाननी हो तो उस आदमी से पूछिए जिसको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ हो। जी हाँ, आज दोस्तों हम करने वाले हैं ऐसे एक राउटर की अनबॉक्सिंग। जी हाँ, मेरे पास है D-Link का ये DIR841 राउटर, जो कि है AC1200 ड्यूल बैंड राउटर, जो कि 2.4 GHz और 5 GHz दोनों पर काम करता है। तो कैसा है ये राउटर, आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या है इस बॉक्स के अंदर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे दिख रहे हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं अंश व्लॉग्स। तो दोस्तों, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग से पहले देखते हैं कि इसके बॉक्स पे क्या क्या है। ये फ्रंट में आपको मिलेगा D-Link की पिक्चर और इसके सारे जो जो फीचर्स हैं, जैसे कि AC1200 स्पीड्स है, ड्यूल बैंड, गीगाबाइट इंटरनेट पोर्ट, मूव मीमो टेक्नोलॉजी, WPS, मल्टीपल मोड्स वगैरह। यहाँ पर आपके सीरियल नंबर वगैरह आपको दिख जाएंगे। अगर आप बैक में देखें तो यहाँ पर भी इसके यही फीचर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर इसका प्राइस लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 3540। और यहाँ पर इसके कुछ की फीचर्स मेंशन हैं, D-Link और ऐसा कुछ आपको ये बॉक्स मिलता है। आइए करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले जो आपको चीज़ें मिलेंगी इसमें वो है ये इंस्टॉलेशन गाइड और वारंटी प्रोडक्ट, ये वारंटी कार्ड, इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद जो हमें दूसरा दिख रहा है वो है ये वाईफाई राउटर, इसकी हम ये टिन हटा देते हैं। तो ये इस तरीके से आपको पियानो फिनिश में मिलेगा, हाफ हाफ मैट में पियानो फिनिश है। तो आप अभी से देख सकते हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा थंब इम्प्रेशन आ गए हैं, फिंगरप्रिंट्स आने लगे हैं। और ये इसके चारों एंटीने, तो आपको कुछ इस तरीके से ये मिलता है। इसमें अगर बैक में देखें तो आपको मिलेगा ये एक वैन का पोर्ट, जिसमें आप अपना इंटरनेट यहाँ पर लगाएंगे, और ये मिलेंगे आपको चार लैन के पोर्ट, ये चारों ही गीगाबाइट हैं, WPS और वाईफाई का बटन है, और ये है आपका पावर बटन ऑन ऑफ के लिए या अडाप्टर लगाने के लिए। बैक में आपको हैंगिंग करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, और फ्रंट में आप देखें तो यहाँ पर आपको ये LEDs लाइट्स मिलेंगी, इंडिकेटर्स, जिसमें आपको पावर का मिलेगा, यहाँ पर इंटरनेट का, ये चारों लैन पोर्ट के लिए हैं, वाईफाई के लिए 2.4 और 5 GHz के लिए, और ये एक आपका रीसेट का। इस तरीके से कुछ आपको ये राउटर मिलता है। और देखते हैं इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो एक हमें मिलती है ये अराउंड 1 meter की ये एक लैन केबल है, और एक आपको पावर अडेप्टर मिल जाता है। तो कुल मिला के हमें बॉक्स में ये चार चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको प्रॉपर सेटअप करके इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है, और अभी मैंने इससे एक लैन केबल कनेक्ट की है, और साथ ही मैं बाकी सारी डिवाइस अपनी वाईफाई के थ्रू चला रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको वारंटी कार्ड के साथ ये एक कॉन्फ़िगरेशन कार्ड मिलता है, जिस पे जो डिटेल लिखी हुई है, या तो आप ये IP डाल दें या फिर ये लिंक डाल के जो दिया हुआ है आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी अनबॉक्सिंग D-Link के इस DIR841 राउटर की। अगर हम बात करें दोस्तों वारंटी की, तो ये आता है 3 साल की वारंटी के साथ। और अब आती है बात कीमत की। तो दोस्तों, मैंने ये ऑफलाइन लिया था और मुझे पड़ा है ये 1900 रुपीज़। जी हाँ, 1900 रुपये का मुझे ये ऑफलाइन पड़ा है। और ऑनलाइन अगर इसकी कीमत की बात करें तो ऑनलाइन भी ये लगभग 1900 रुपये का ही है। ऑनलाइन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस ये अनबॉक्सिंग वीडियो,
डिटेल इसका रिव्यू वीडियो मैं आपको कुछ दिन बाद डालूंगा जब इसको यूज करके देख लूंगा कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए, देखते रहिए अंश व्लॉग्स। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन हो। मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।